हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे साबूदाना के कुरकुरे पकौड़े। आप ये साबूदाना की भजी व्रत के लिए या फिर स्नैक्स के लिए भी बना सकते हैं। और इसके साथ मैंने नारियल की चटनी सर्व की है। बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है ये। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपको ये थोड़ी सी अलग लगेगी और बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक मिक्सिंग बोल में साबूदाना लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी साबूदाना लिया है। साबूदाने को 3 से 4 बार अच्छे से धोया है। तो इसे हम मिक्सिंग बोल में डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमें इसे पानी में नहीं, दही में भिगोना है। तो दही में भिगोने से ये बहुत ही बढ़िया बनते हैं। तो ऐसी रेसिपी शायद आप पहली बार देख रहे होंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून दही को ऐड किया है। तो दही हमें यहाँ पे नॉर्मल ही यूज़ करना है, ज़्यादा खट्टा भी नहीं यूज़ करना और ज़्यादा मीठा भी नहीं लेना है। अगर आपको दही कम पड़ रहा है तो आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो अब मैंने साबूदाना और दही को अच्छे से मिक्स किया है। तो इसे हम कम से कम 1 घंटे के लिए ढक कर रखेंगे ताकि साबूदाना दही में अच्छे से सोख हो जाए। तो 1 घंटे के बाद हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए, दही में साबूदाना अच्छे से सोख हो गया है। तो आपको मैं एक दाना मैश करके भी दिखाती हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट बन चुके हैं। तो अब हमें इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने होंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे छोटी सी 1 कटोरी भुने हुए मूंगफली को क्रश करके लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुटी हुई 2 हरी मिर्च डाली है। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा मिर्च डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने 1 टीस्पून चीनी और स्वाद अनुसार नमक डाला है। तो इन सारे इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हो। अगर आपको आलू पसंद है तो आप इसमें आलू भी डाल सकते हैं। तो इसे हमें पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर 2 मिनट के लिए मसल लेंगे ताकि ये स्टिकी बन जाए। ये देखिए, साबूदाने में से बहुत सारा मॉइस्चर छूट गया है। तो ये बैटर हमारा स्टिकी बन गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इजीली बॉल बन रहे हैं। अब बारी आती है इसे फ्राई करने की। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में तेल गर्म करने के लिए रख दिया है। तेल गर्म हुआ है या नहीं हम एक दाना डालकर चेक कर लेते हैं। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब हम साबूदाना के पकौड़े बनाएंगे और तेल में छोड़ देंगे। तो बॉल्स को ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, इसे लूज ही रखना है, नहीं तो ये साबूदाना बड़े बन जाएंगे। तो इसे हमें मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो इसे हम बारी बारी से टर्न करेंगे और इस तरह कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करने के लिए कुछ 4 से 5 मिनट लगेंगे। तो ये अब फ्राई हो चुके हैं। तो इसे मैं एक एब्जॉर्बिंग पेपर में निकाल रही हूँ। जब भी हम साबूदाना के बड़े बनाते हैं तो वो बहुत ही ऑयली बन जाते हैं, लेकिन साबूदाना पकौड़े बिल्कुल ही ऑयल फ्री बन जाते हैं। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए। तो इसी तरह से मैं बाकी के पकौड़े भी फ्राई कर लेती हूँ। तो ये रहे हमारे साबूदाने पकौड़े। बाहर से बहुत ही क्रिस्पी है और अंदर से उतने ही सॉफ्ट। यहाँ पर मैंने फ्राई की हुई हरी मिर्च भी सर्व की है और उसके साथ ही हम फ्रेश नारियल की चटनी भी सर्व करेंगे। अगर आपको चटनी नहीं बनानी है तो आप दही के साथ भी इसे खा सकते हैं। तो ये देखिए, मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। बाहर से बहुत ही क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। तो बहुत ही मज़ा आता है इसे खाने में। और एक तो ये ऑयल फ्री बनते हैं। तो ये देखिए, बहुत ही टेम्पटिंग सी डिश है ये। आप इसे उपवास के लिए या फिर चाय के साथ भी एंजॉय कर सकते हो। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और जल्दी भी बन जाती है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो अगर आपको ये आज की डिफरेंट रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।